या फिर क्रेडिट बैलेंस गिवन होता था. सो आई यूज टू पुट बैलेंस ब्रॉट डाउन इन दैट केस, राइट. अब क्या होगा, वो खुद बोलेगा कि आप बैलेंस ढूंढो, कि बिगिनिंग में ट्रायल बैलेंस का मैच ना होना, हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया एंड यू योरसेल्फ फाइंड कि बैलेंस कितना रहा होगा बिगिनिंग में. सो दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू पिक टुडे. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 12. पहली लाइन ही पढ़ो, वहां से आपको पता चलेगा दैट यू नीड टू फाइंड द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इन दिस केस. द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर वॉज बैलेंस्ड ओनली आफ्टर इंसर्टिंग अ सस्पेंस आइटम. कहता इस ट्रेडर का ट्रायल बैलेंस तभी मैच हुआ जब हमने सस्पेंस अकाउंट को इंसर्ट किया, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि सस्पेंस अकाउंट कितने से खोला गया. इंसर्ट मींस वी जस्ट ओपन्ड इट, फॉर विच एन अकाउंट वॉज ओपन इन द लेजर, और सस्पेंस अकाउंट हम लोगों ने लेजर में खोला. ऑन ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड. आपको क्या बोला है, पास अ नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट गिविंग यू द ओपनिंग बैलेंस. सो वॉट एवर बैलेंसिंग फिगर इन द सस्पेंस अकाउंट यू विल बी गेटिंग, यू विल नॉट बी कॉलिंग इट कैरी डाउन बैलेंस, यू विल बी कॉलिंग इट बिगिनिंग बैलेंस विच वी कॉल ब्रॉट डाउन बैलेंस. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 12. Usually suspense account when we open, we do have the opening balance given in the question in most of the time. But hereby he is not giving us the opening balance. So let's begin with, this is 12th illustration. Rupees 350 received from Bimal had been credited to Bimal. Naam galat likh diya bhai. So this column is for right entry. This column is for wrong entry. And here we go with rectified entry. Are we paying or receiving? We are receiving. Entry आनी चाहिए थी cash account debited to Bimal. Cash account debited to Bimal account. हमने क्या कर दिया, cash account debited to Bimal account. So amount is correct, cash is also correct. How I am going to rectify it? Bimal को credit करना था, करेंगे. Bimal गलती से credit हो गया है, उसे debit करके cancel कर दो. Bimal account debited to Bimal account. So whatever amount he is giving you in the question, that is 350. Narration क्या होगी? Cash received from Bimal, B वाला Bimal. Wrongly credited to Vimal account, now rectified. So matching with the book, come to the second transaction. Rupees 70 paid for postage expenses was omitted to be posted to that account. Entry aani chahiye thi posted to cash. Postage to cash. Stationery and postage, theek hai, printing and postage, sometimes we call it to cash. 70 rupees. पार्शियल ओमिशन है, आपने डेबिट कुछ भी नहीं किया, कैश को क्रेडिट किया होगा. सो पोस्टेज डेबिट नहीं हुआ, अब कर दो. एज सेकंड अकाउंट इज करेक्ट, वी टेक द हेल्प ऑफ अ टेंपरेरली ओपन अकाउंट व्हिच वी कॉल सस्पेंस, राइट. जो हम सोच रहे हैं बुक ने भी वैसा ही सोचा, टू सस्पेंस 70 रुपीज. बीइंग पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड नॉट बीइंग एंटर्ड टू इट्स अकाउंट नाउ एंटर्ड, बिकॉज रेक्टिफिकेशन नहीं है, ओमिशन वाली एंट्री है, राइट. Let's see the next. Come to third point. Read third point, everyone. In casting means जब हम balancing करते हैं. In casting, sales book of rupees 3,073 had been carried forward. Difference देखना जरा. अमाउंट वॉज ओरिजिनली आपने जो आगे लेके जानी थी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था, अगले पेज पे जब टोटल लेके जाते हैं हमने बैलेंस लिख दिया 2,758. सो व्हाट इज द डिफरेंस, आपको नहीं लगता कि देयर इज अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक. ओरिजिनल अमाउंट वाज 3,073 बट यू रोट 2,758. सो व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 3. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 315 रुपीज. 315 रुपीज से सेल बुक क्या है, अंडर कास्ट है. जब अंडर कास्टिंग का केस होता है हम ना राइट एंट्री करते हैं ना रॉन्ग एंट्री करते हैं, हम सीधा रेक्टिफाइड पे आते हैं. तो सेल्स बुक अंडर कास्टेड. अब बढ़ा दीजिए, सेल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है बीइंग एन इनकम, तो उसे क्रेडिट कर दीजिए विद रुपीज 350. बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड. बीइंग अंडर
कैरी फॉरवर्ड, मैंने अंडर कास्टिंग लिख दिया, उसने बोला अंडर कैरी फॉरवर्ड, मींस कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस आप आगे कम लेके गए, नाउ रेक्टिफाइड, डन, आगे चलते हैं। यस हाँ बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब हमने वाउचर का चैप्टर किया था, वन टर्म आई टोल्ड यू अबाउट दैट और सोर्स डॉक्यूमेंट का, वन टर्म वी डिस्कस अबाउट कैश मीमो एंड अनदर वॉज इनवॉइस। सो बेसिकली व्हेन वी यूज द टर्म इनवॉइस, इनवॉइस इज ऑलवेज बीइंग रिसीव्ड और बीइंग इशूड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो अगर आपको इनवॉइस मिल रहा है, अगर वो क्वेश्चन में बात इनवॉइस की करता है, मींस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस। इनवॉइस इन इटसेल्फ सिग्निफाइज दिस थिंग दैट द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस। चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं जरा ध्यान से। ही स्टार्टेड द लाइन विद वर्ड इनवॉइस, दिस इज 5/315, दिस इज, चलिए अच्छी पढ़े। एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 52,570 इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, मींस मैंने मोटर कार उधार पे खरीदी, मेरे को उसका बिल आया, इंक्लूडेड एन आइटम ऑफ रुपीज 70 फॉर इंश्योरेंस। जब अमाउंट है बच्चे इतनी 52,570 और कहता इस बिल में 70 रुपीज इंश्योरेंस के भी है, मींस ओरिजिनली मोटर कार रही होगी 52,500 की, 70 रुपीज बीच में इंश्योरेंस के हैं, फॉर इंश्योरेंस। द होल अमाउंट वॉज डेबिटेड टू मोटर कार। मोटर कार के इंस्टॉलेशन का खर्चा होता तो उसकी कॉस्ट में होता, मोटर कार की जो आपने इंश्योरेंस करवाई है वो सेपरेट होनी चाहिए थी। आपने सारी अमाउंट किसमें डाल दी, व्हाट यू डिड, आपने किया मोटर कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद होल अमाउंट 52,570। जबकि होना क्या चाहिए था, मोटर कार शुड बी डेबिटेड विद 52,570 रुपीज कम से, और इंश्योरेंस सेपरेटली डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज इंश्योरेंस की अलग से ट्रीटमेंट होती है भाई, 70 रुपीज कैश ठीक गया, क्योंकि कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द ग्रैंड टोटल। तो क्या करें बेटा जी, मोटर कार ज्यादा डेबिट हो गई है, हमने मोटर कार को, दिस इज माई राइट एंट्री, दिस इज रॉन्ग, मैंने उलट लिखा ना, फिर चलो ऐसे कर देते हैं इंटरचेंज। माई राइट एंट्री शुड बी मोटर कार इज टू बी डेबिटेड, इंश्योरेंस इज टू बी डेबिटेड टू कैश। हमने क्या किया, मोटर कार को 70 रुपीज से ज्यादा डेबिट कर दिया, मोटर कार को कम करो, टू मोटर कार, इंश्योरेंस डेबिट हुआ ही नहीं तो अब कर दो। मेरे को नहीं लगता कि इस ट्रांजेक्शन में सस्पेंस अकाउंट की हमें जरूरत पड़ी। मींस आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, सो अगेन इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या इस एरर के कारण ट्रायल बैलेंस मैच हुआ होगा, हु विल टेल, विल दिस एरर इफेक्ट द मैचिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यस एनीवन फ्रॉम यू पीपल, ईशा अनम्यूट करो, ईशा, विल दिस एरर इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस, ईशा अनम्यूट करो, आर यू देयर, गर्वा, यस मैम, विल दिस एरर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ईशा, नो मैम, बिल्कुल ठीक है, मोटर कार डेबिट कर दिया, करना डेबिट क्या था, इंश्योरेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों के ही नेचर डेबिट है, ट्रायल बैलेंस जरूर मैच हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं होगा, व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हो तभी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ होगा, अदरवाइज अगर सिंपल एंट्री रहती है विदाउट सस्पेंस अकाउंट देन डेफिनेटली दैट एरर हैज नॉट बीन इफेक्टिंग आवर ट्रायल बैलेंस, राइट, गुड, चलिए जी आगे चलते हैं, कम टू नेक्स्ट, सी द बॉटम ऑफ द बोर्ड, चलिए जी आगे चलिए। We arrived at second last. An item of rupees 175 for goods returned by Ishumit was debited to his account. Ishumit is our customer and he sent back the goods to us. So entry honi chahiye thi, sales return account debited. Purchase hai ki sent hai? Goods returned by na Ishumit, theek hai. Sales return account debited to Ishumit hona chahiye tha. Humne kya kar diya? हमने इशुमीत को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न भी डेबिट किया होगा साथ में, क्रेडिट कुछ नहीं किया। अब क्या करें बेटे जी, इशुमीत को क्रेडिट करना था ओरिजिनली करेंगे, जो आपने गलती से डेबिट कर दिया उसे भी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट ही करेंगे। सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट टू कंप्लीट माई जर्नल एंट्री, आई एम गोइंग टू डेबिट माई सस्पेंस अकाउंट, सो इट इज गोइंग टू बी विद द डबल अमाउंट 175 + 175, दैट इज 350 टू इशुमीत।
being goods returned by issuee wrongly debited to his account, now rectified. Come to next. So first transaction mein hamara suspense account hai nahi, so this I have to erase, kyunki maine ultimately aapko suspense account banana sikhana hai. Our next period is also of accountancy, so we will wind up this chapter. After the end of this period, you will immediately rejoin the class. 4,000 received from Dilpreet, whose account was written off as bad last year, was credited to his personal account. जब आपका ऑलरेडी मरा हुआ पैसा आपको मिलता है, students we treat it bad debts recovered. It means कि entry होनी चाहिए थी cash account debited to bad debts recovered. हमने बंदे का नाम लिख दिया to bad debts recovered. हमें इसको अपनी इनकम मानना था, रेवेन्यू इनकम मानना था. ठीक है, व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट वाज 4,000, राइट? सो व्हाट वी डिड, वी डेबिट कैश, लेकिन हमने दिलप्रीत का नाम लिख दिया, सो वी आर रॉन्ग हियर. क्या करें? बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करने थे, करेंगे. दिलप्रीत गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे डेबिट करके कैंसिल कर दो. सो एंट्री बनेगी दिलप्रीत अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स recovered. So it is going to be worth 4,000. ये भी एक ऐसी transaction हुई जिसमें हमने suspense account को open ही नहीं किया. Now these all entries I require for the preparation of suspense account. But for the first time in the question, he asked from me to prepare suspense account, but he is not giving me any opening balance of suspense account. मेरे को उसने suspense account का कोई भी opening balance नहीं दिया. So I will be calculating the balance on my own. और ये कैसा केस है जिसमें सस्पेंस अकाउंट का जब बैलेंस नहीं दिया. Yes. See suspense account. No opening balance, no balance brought down, no balance carried down. पहली ये दो, it is my last entry. Last entry में suspense नहीं है, छोड़ दिया. Second entry ये थी, first में भी suspense नहीं था. Postage to suspense. तो क्या लिखूं? By postage. How much it is? 70 rupees only. Then suspense to sales. 315. Then insurance to motor car नहीं, then suspense to issue meet 350. This side seems to be greater, debit side. So here it comes 665. Here also it is 665. Whatever balance you will be calculating, though it is going to be, जब हम close करते हैं तो closing balance लिखते हैं, क्योंकि मेरे को opening balance नहीं पता था. I am just identifying it as my opening balance. करो जी बैलेंस. 5,6 बनाना इधर आपको, 9,595 will be your opening balance. और साथ में वो आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख रहा है, दिस इज BF means balancing figure we calculate. So whenever he says that in order to match my trial balance I opened or I inserted the suspense account, but he is not mentioning the amount. And then at the later stage he is asking you to prepare suspense account, you will definitely get a balancing figure. Per that balancing figure not being the closing balance, that is going to be your opening balance, right? So starting mein jab trial balance nahi match hua hoga, kaun si side badi rahi hogi? Trial balance ki kaun si side badi rahi hogi ki credit side pe balance aaya, debit side badi rahi hogi. There was, ye nature bhi puch sakta hai, what this balance signifies, that earlier trial balance debit side was in excess of credit side with rupees 595. That's why the opening balance is appearing on the credit side. Credit side short rahi hu. ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें पता है जब क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं मींस डेबिट साइड बढ़ी रही थी. मान लो ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आता मींस क्रेडिट साइड बढ़ी रही होगी ट्रायल बैलेंस की, और डेबिट साइड इन शॉर्ट रही होगी. ठीक है, सो लाइक दैट वे वी नीड टू प्रोसीड. नाउ वी हैव द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, फॉलो अप अगले पीरियड में करेंगे. बैक एक्सरसाइज देखो, 27th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज. टुडे इट इज द लास्ट डे, राइट? ऑन सैटरडे आई विल बी पिकिंग द न्यू चैप्टर एंड दैट विल बी bills of exchange, right? So nobody will miss the class.
bills of exchange we will start on Saturday. And then we are going to follow the tax schedule as well. On Monday rehta hai aapka test? Yes, Monday there will be test of your rectification of error. So Sunday and Saturday and your tomorrow you will use for preparation of test. Maximum question follow up hum logon ne kiye hain, humne back exercise questions kiye hain, so nobody will miss test. This is going to be your part of internal assessment as well. Come at 27th question from the back exercise. On my book, it's on page number 15.45 and the question is of partnership firm. ठीक है, चलिए करें, पढ़ना शुरू करो. 27th question. Once again, first column is of right entry, second column is of wrong entry, and the third column is of your rectified entry. हाँ, चलिए पढ़ते हैं. Pass the rectification entry and show the suspense account in the books of partnership firm from the following particulars. 7 points है. और उसने बोला suspense account भी बनाओ. जब suspense account का खुद कोई balance नहीं देता तो हम balancing figure खुद निकालते हैं. यहां तक अब हमें clear हो चुका है. Total of sales return book was overcasted. Sales return book जब overcast और undercast होती है हम right और wrong कोई entry नहीं करते. सेल्स रिटर्न बुक का बेसिकली बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अभी ये ओवरकास्ट हो गई है. जब ये ओवरकास्ट हो गई है तो मैंने इसे क्रेडिट करके ठीक कर लेना है. बिल्कुल ठीक है ईशा, गुड. सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, वेरी गुड. सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न. पहले आपको उस अकाउंट की बेसिक नेचर पता होनी चाहिए. सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज बींग डेबिटेड एंड वंस इट इज बींग ओवरकास्टेड यू नीड टू रिड्यूस इट with the specified amount. So that's why in order to reduce it, I am crediting it. This time the amount is 1000. Being sales book overcast, sales return book overcasted, now rectified. Come to next. Aage padho. Purchase of equipment from Raj Mohan and Company worth rupees 2000 in cash. Entry honi chahiye thi equipment to cash. राजमोहन एंड कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए था क्योंकि आपने कैश में खरीदा है. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. वॉज एंटर्ड थ्रू द परचेज डे बुक अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू सप्लायर. जब आप जब उसने बात ही कर दी कि परचेज डे बुक की है, परचेज डे बुक में तो आप परचेजेस डेबिट करते हो और डे बुक की जब बात है मीन्स आपने उसे क्रेडिट मान लिया. देखना कितना ब्लंडर किया उसने. हमारी एंट्री आनी चाहिए थी इक्विपमेंट टू कैश. सिंपल, आपने ना कैश की ट्रांजैक्शन मानी ना इसे एसेट की परचेज माना. व्हाट यू डिड, सी द बोर्ड फ्रॉम दैट साइड, दिस शुड बी योर राइट एंट्री, इक्विपमेंट टू कैश. आपने क्या कर दिया, परचेजेस टू राजमोहन एंड कंपनी, सब कुछ ही चेंज कर दिया टू राजमोहन एंड कंपनी. और कहता क्योंकि ये परचेज ये बुक थी, उसने क्लैरिफाई भी कर दिया, हमने इसे क्रेडिट परचेज मान लिया और परचेज ऑफ गुड्स माना, इक्विपमेंट नहीं. राजमोहन एंड कंपनी, क्या करें बेटा जी, पहले ये एंट्री पूरी करनी थी, करेंगे. इक्विपमेंट शुड बी डेबिटेड करेंगे, कैश शुड बी क्रेडिटेड करेंगे, अमाउंट वाज 2000, परचेसेस गलती से डेबिट हो गई हैं, उसे क्रेडिट करके सही करो. टू परचेसेस सेम 2000. मेरे को नहीं लगता सस्पेंस अकाउंट खुलेगा. दो अकाउंट सही हैं, दो अकाउंट गलत हैं. जो गलत वाले हैं उन्हें रिवर्स ट्रीटमेंट दे दो और जो सही वाले हैं जो ओरिजिनली उन्हें करना था वही करो. So, राजमोहन गलती से क्रेडिट हो गया उसे डेबिट. यहां तक किसी को कोई डाउट है? फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक चार अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं मेरी रेक्टिफिकेशन में क्योंकि थ्रू आउट उसने एंट्री की गलत पोस्टिंग कर दी. राइट, एसेट की परचेज को परचेजेस मान लिया जबकि एसेट डेबिट होता है. सो दिस इज विद 2000. बीइंग एन इक्विपमेंट परचेज फॉर कैश रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज डे बुक नाउ रेक्टिफाइड. सो इट्स गोइंग टू बी विद 2000. राइट, this amount is 2000. Now I think it is visible to everyone. Yahan tak kisi ko kuch puchna hai, any doubt about this transaction, you may raise your hand and you can send your query in the chat box. Aage chalte hain. Discount allowed by P Sahu, a creditor. Hamara creditor hai, usne hame discount allow kiya. Aap ise kya manoge, aapke liye kya hai? P Sahu ke liye ye discount allowed hai, hamare liye kya hai? Who will tell? गर बताओ आप, पहले भी आपने अनम्यूट नहीं किया.
गर्व पी साहू ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, हमारे लिए क्या है? अनम्यूट करो. डिस्काउंट रिसीव्ड. गुड. एंट्री बोलोगे, क्या सही एंट्री होनी चाहिए? व्हेन ही गिव अस द डिस्काउंट, क्योंकि होल ओमिशन है, एंट्री कहता की नहीं. जो राइट होगी वही रेक्टिफाइड होगी. व्हाट शुड बी द एंट्री गर्व? कैश टू. उस दिन भी बात करी थी, डिस्काउंट रिसीव्ड अनडाउटेडली क्या होगा? क्रेडिट. लेकिन बंदे का नाम डेबिट होता है भाई. पी साहू टू डिस्काउंट रिसीव्ड आना चाहिए. आपने पी साहू को पेमेंट करी होगी, आपकी एंट्री हुई होगी पी साहू अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. अभी गौतम का पॉइंट बिगिनिंग में बताया तो एंट्री होनी चाहिए थी पी साहू टू डिस्काउंट रिसीव्ड. चैट बॉक्स में देखती हूँ किसने आंसर लिखा. आपने एंट्री ही नहीं करी तो अब कर दो ना, जो राइट है वही तो रेक्टिफाई. Person's name, discount received or allowed में हमेशा person का नाम आता है. Discount received done, that is income done. I was asking, ठीक लिखा मेघा ने, ईशा ने, ठीक है, but person's name will be there, क्योंकि supplier का उतना इससे balance क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ये बात याद रखना, journal का point है. आगे चलो fourth पे आओ. 350 paid for carriage on sale of goods was credited to कैरेज. आउटवर्ड होना चाहिए था, है ना? जब आप सामान बेचते हो उस टाइम पे, जब आप रास्ते का खर्चा पे करते हो, एज द थिंग्स आर मूविंग आउट वी कॉल इट कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड तब होता है व्हेन यू परचेज द थिंग्स एंड यू पे द एक्सपेंसेस फॉर ऑन द वे. ठीक. तो कहता आपने कैरेज आउटवर्ड को कैरेज इनवर्ड मान लिया व्हेन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक. ओके. एंट्री होनी चाहिए थी कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड, मैं उसे सीओ लिखूंगी, टू कैश. आपने लिख दिया कैरेज इनवर्ड टू कैश. कैश कैश तो ओके है, तो क्या करें? कैरेज आउटवर्ड शुड बी डेबिटेड करेंगे, कैरेज इनवर्ड गलती से क्या हो गया है, डेबिट. उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो. सो इस एंट्री में भी आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा. पहली एंट्री में सस्पेंस है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इरेज दैट, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना सिखाना है एंड आई विल बी फाइंडिंग द बैलेंसिंग फिगर एज वेल. So this portion now we will be using for rest of the entries, right? Right or wrong, I will just discuss with you. I will be writing this time only rectified entries. So isme bhi kya aana hai aapka? CO. Carriage outward account debited to carriage inward. Ye thi hamari entry. This is second. Maine koi erase kari hai kya? One entry I erased. Haan, right or wrong wali wo maine ye kar li. Third kya thi? हाँ, वो सिंपल है, उसमें भी सस्पेंस नहीं है. अभी करवाया पी साहू टू डिस्काउंट रिसीव्ड. आगे चलो. बी आर रिसीव फ्रॉम अ डेटर. व्हेन यू रिसीव बी आर फ्रॉम अ डेटर, एंट्री होती है बी आर अकाउंट डेबिटेड टू डेटर. दिस इज राइट एंट्री भाई. अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर करेंगे ना, यू विल हैव अ थॉरो आइडिया अबाउट हाउ द बी आर आर बींग रिटर्न, हाउ द बी आर आर बींग ड्रॉन, हाउ द बी पी आर बींग एक्सेप्टेड. बी आर वर्थ रुपीज 1800 रिसीव फ्रॉम डेटर वॉज एंटर्ड इन बी पी बुक. दो करेक्टली एंटर, डेटर का अकाउंट कहता सही किया. इट मींस कि हमने बीआर को डेबिट ना करके बीपी को क्रेडिट कर दिया, डेटर क्रेडिट ही हुआ. तो क्या करें? बीपी ओरिजिनली डेबिट होना चाहिए था, करेंगे. बीआर ओरिजिनली डेबिट होना चाहिए था, करेंगे. बीपी गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे भी डेबिट करेंगे. तो डबल अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट खोल दो ना. दिस विल बी 1800 ईच, सो सस्पेंस अकाउंट में सीधा 3600 जाएगा. सो दिस एंट्री वी विल डेफिनेटली पोस्ट टू माई सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज नेचर चेंज कर दी. आपने एसेट को लाइबिलिटी बना लिया लेकिन डेटर के अकाउंट में ठीक डाला. आगे चलते हैं. अ सम ऑफ रुपीज 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह. अभी किया मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड वाला. अ सम ऑफ रुपीज 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह अ डेटर हुज ड्यूज वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सूरज सिंह. एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड. टू बैड डेट्स रिकवर्ड हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू सूरज सिंह. अब कैसे सही करें भाई? आई विल जस्ट स्पीक. सूरज सिंह गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे डेबिट कर देना, और बैड डेट्स रिकवर्ड ओरिजिनली क्रेडिट होने थे, उसे क्रेडिट कर देना. तो एंट्री बनेगी रेक्टिफाइड सूरज सिंह अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड. इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग. ओके. एज इट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इस फर्म के पार्टनर्स जो कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे दैट इज गोइंग टू बी द ड्रॉइंग्स. माइंड इट, ठीक है? इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर. फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज पुटिंग मी अ क्वेश्चन
that is the they are running a type of organization which we call partnership. आपको करवाया होता business studies में types of organizations. So this time they are running a partnership firm. हुआ क्या? Goods worth rupees 1500 bought by a partner Ajit Basra. इसने सामान अपने लिए खरीदा था without any payment being made as yet. Was wrongly entered in the purchase day book. आपने उधार में खरीदा. Entry होनी चाहिए थी drawings to creditor. है ना? आपने एंट्री कर दी परचेजेस टू क्रेडिटर क्योंकि परचेज डे बुक में डाल दिया. टू क्रेडिटर ओके है. ड्रॉइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी करेंगे. परचेजेस गलती से डेबिट हो गई उसे क्रेडिट कर दो. सो एंट्री बनी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. ये भी वो एंट्री है जो सस्पेंस अकाउंट में नहीं आती. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द क्रॉस ओवर हियर बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग इट इन माई सस्पेंस अकाउंट. लेट्स प्रोसीड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट हियर. कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है. हम खुद बैलेंसिंग फिगर निकालने वाले हैं. सस्पेंस अकाउंट पहली एंट्री सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न. टू सेल्स रिटर्न दैट इज 1000 लिख दिया. इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं था. इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं था. इसमें है बाय बीआर बाय बीपी 1800 1800. दिस साइड इज ग्रेटर. अगली दोनों एंट्रीज में सस्पेंस नहीं है. सो 2600 इज द ओपनिंग बैलेंस BD and we will be calling it balancing figure. Means credit side बढ़ी रही होगी जब आपका trial balance नहीं match कर रहा होगा और 2600 is the balancing figure here. He wrote the balancing figure 4300 1700 की मैंने कोई item छोड़ी है क्या? 3300 he is saying the balance. Any item which I erased, was there any item of 1700? पी साहू वाली आनी नहीं. सेल्स रिटर्न डे बुक भी नहीं आना. लेट्स चेक इट. आप में से किसी ने बोला भी नहीं कि मैम कैरेज इनवर्ट को क्रेडिट किया है. सो देयर इज अ मिस्टेक इन आर इंटरप्रिटेशन. He says carriage outward हम लोगों ने पे किया तो एंट्री आनी चाहिए थी carriage outward account debited to cash. हमने कर क्या दिया? Was credited to carriage inward. हमने कर दिया to cash साथ में carriage inward को भी credit कर दिया. So carriage outward originally debit होना था करेंगे. Inward गलती से क्या हो गया है? Credit उसे भी debit करेंगे तो यहाँ पे suspense account open होगा with 700. 3600 plus 700 4300 1000 I have to deduct from it. So your answer is matching with the book 3300. Means आपकी credit side excess रही होगी किसके comparison में? Debit side के comparison में. That's why the trial balance was not matching earlier. ठीक है. Rest of the things we will continue in the next period. We have 28th and 29th question. We will discuss that. Right?